अमेरिका की कोई एक स्टडी कंपनी है हिंडनबर्ग, उसके 103 पन्ने का एक रिपोर्ट आया और दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति एक हफ्ते में 11वां स्थान पे आ गया और 22वां आ गया, क्योंकि उन्होंने इस बात का स्टडी किया कि ये अडानी समूह का जो छलांग है वो 2014 से ही बढ़ना शुरू हुआ, जो 2023 आते आते इतना बड़ा हो गया कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पूंजी व्यवस्था बन गई। कल अमित शाह जी बार बार एक मंत्र जाप कर रहे थे, हेमंत बाबू हेमंत बाबू, आपकी सरकार भ्रष्ट है लूट है, तो अमित बाबू अमित बाबू, अडानी का उछाल क्यों है? हम लोगों ने तो मनी लॉन्ड्रिंग एक नया शब्द सुना था, लेकिन हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया उसमें तो मनी ड्राई क्लीनिंग समझा दिया। कोई गौतम अडानी जी का कोई भाई है विनोद अडानी जी, जो मनी ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, और ईडी खामोश। आईटी खामोश, शेयर बाजार गिर गया, उसका जो रेगुलेटर ऑथोरिटी है सेबी, वो खामोश है। सरकारी उपक्रम की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक का घाटा हुआ, आरबीआई खामोश है। सरकारी उपक्रम के सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी, उसका शेयर टूटा। आरबीआई खामोश है। तो कुछ खामोशी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विपक्ष की सरकार उनके आंखों में खटकती है। आप बताइए, एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह बात बताते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति और एक पूंजीपति व्यक्ति के मिलन से इस प्रकार की चीजें हुई है और भारत सरकार खामोश है। आज तक एक एफआईआर तक नहीं हुआ। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर उसके जो संस्थापक है एंडरसन पर ये क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी को खुलकर इस बात को कहना चाहिए कि कोई विदेशी जांच एजेंसी यदि हमारे देश के किसी, यदि वो आधारहीन है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। सेबी को आरबीआई को सामने आकर बोलना चाहिए। ईडी जो हमारे रांची में जो लाल बत्ती लगाया हुआ
एयरपोर्ट के पास, उसको गुजरात और मुंबई जाना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि इतना बड़ा यदि वित्तीय घोटाला हुआ है तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेकर एक निष्पक्ष जांच शुरू करनी चाहिए। आज इतना ही कहना था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।